जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हाँ जी, जय भोले जी की। हाँ जय भोले जी की। बोला तो आपका पैसा नहीं कटेगा तो मैं तो अनलिमिटेड को आपको फोन कर रहा था। आप हम फोन करें क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं, पैसा कटने की बात नहीं है आपका। बुरा कॉल ना, बुरा, नहीं, बुरा, बिल्कुल नहीं था। बुरा मत मान, नहीं बुरा, बुरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉल आ रहा था तो मैं दूसरी कॉल पे बिजी था। हाँ 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 हाँ, वो तो दो बार फोन किए थे। हाँ, तो मैं डिस्कनेक्ट कर तो मैं आपका चैनल का रेगुलर व्यूअर हूँ भैया, ठीक है? तो बोले कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता। अच्छा, वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, बोला था मेरा तो मेडिकल हो गया, ठीक है? हाँ जी। तो अभी मैं दो साल तो 18-19 का दो साल भी गया, इस साल भी मैं जाऊंगा। तो मेरा मेडिकल हो गया, लेकिन इस साल पे जो नया नियम आया, जो पहला जो चार दिन तक जो अभी यात्री लोग जान यात्रा करेंगे उसको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो आप प्रोसेस बोल रहे हो ना, थोड़ा आप वो मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो बढ़िया रहता। तो मैं वेबसाइट में जाकर मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मुझे करूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई कंफ्यूज मत होइए, नहीं होगा। अच्छा, और एक बात बताइए, यहाँ पर जो मैंने अगले साल 2018-19 में जो यस बैंक से मैं करवाया था, ठीक है? तो मेरा लोकल में नजदीक में मेरा ब्रांच था, तो वहाँ से मैं किया था। तो एक तो बात था, जो अगर ऑनलाइन में अगर मैं करूँगा तो मेरा वो इंश्योरेंस होगा ना, जो ऐसे जो पहले वो लास्ट टाइम जब गया था वो 800 जब देखा था इतना कॉलम था, तो 3 लाख या 4 लाख इंश्योरेंस रहता है, ठीक है? तो बोलो, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल, ऐसे जब आप गाइड कर रहे हो तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिए सर, ठीक है? सर एक बात तो, आप मुझसे चाहे 50 क्वेश्चन करो चाहे 100 क्वेश्चन करो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ना, वो बात नहीं है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर या किसी और यात्रा के बारे में भी आप बात करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जो भी आपके मन में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो भी मेरे पास नॉलेज होगी मैं आपको बताऊंगा, जो नहीं होगी मैं कहीं और से पता करके बताऊंगा आपको, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको। आपने एक दो क्वेश्चन किए कि एक तो जो ऑनलाइन वाला है उसकी हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है, मैं पूरी वीडियो आपको भेज दूंगा, आप वीडियो देख के आप देख लीजिए। मैं आपका वीडियो में देखता हूँ, कल भी आप जो अपलोड किए थे वो भी देखा, लेकिन जो आप वीडियो में जो बता रहे हो ना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो मैं रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाना, तो वो लिंक में जा रहा हूँ तो वो नहीं जा रहा। नहीं नहीं, वो वीडियो अलग है। मैं आपको सिंगल वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना मुझे ना कि मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वीडियो चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे मैं तो वीडियो नहीं तो मुझे लिंक दे दीजिए ना, मैं डायरेक्ट लिंक के लूंगा, कॉपी करके लिंक दे दीजिए ना व्हाट्सएप पर, ठीक है? आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे लिंक भेज दीजिए। मैं अभी कर रहा हूँ सर, मेरा ये नंबर पे नहीं, मेरा दूसरा नंबर है, तो मैं उसे हाई बोल के कलकत्ता वाला बोल के, मेरा नाम है राजा, ठीक है? मैं हाई में आम राजा बोल के मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसी नंबर से आपका तो व्हाट्सएप है, ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, लिंक भेजने के बाद आप अपना देखना, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन है वो आज नहीं होगा, वो कल के बाद ही होगा, है ना? मालूम है ना आपको, तो ये बात 15 तारीख के बाद ही होगा। हाँ, तो अभी आप सिर्फ लिंक भेज देता हूँ, आप लिंक पे जाके देख लीजिए वेबसाइट खुल रहा है नहीं खुल रहा है, वो खुल जाएगा, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, पहली बात हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन था, जो इंश्योरेंस होता है वो ऑनलाइन में भी होता है या नहीं होता है? जी अमरनाथ जी यात्रा का जहाँ तक मुझे नॉलेज है, चाहे आप ऑनलाइन कराएं रजिस्ट्रेशन, चाहे आप बैंक में जाके कराएं, दोनों चीजें सेम है। दोनों में फर्क क्या है? उस वाले में जो आप बता रहे हो कि आपको यस बैंक में जाना पड़ा और आपने रजिस्ट्रेशन कराया, वो आपका बैंक में जाके कराया आपने। अब लोगों को, हाँ लोगों को मतलब यात्रियों को ना जाना पड़े इधर उधर, तो इस बार से ऑनलाइन, पिछली बार से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार इन्होंने ये ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, तो ऑनलाइन में भी आप कराएंगे। ऑनलाइन में भी आप कराएंगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका इंश्योरेंस पक्का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? नहीं, लास्ट ईयर में 2019 को जब किया था वो मेरा दूसरा जाता था, तो मैं कोशिश करूँ पूरा पहला जाता जाने के लिए 30 तारीख को, तो कोशिश कर रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको पहले आपसे 182 बोलना पूछना होता, मेरा साथ भी और भी 5 बंदे, मैं टोटल
कुछ छह बंदे हम लोग एक साथ जा रहे, सब दोस्त लोग भाई लोग है मेरा, तो मैं पूछ रहा था क्या लग रहा, क्या हो सकता है क्या इस बार केदार यात्रा तो शायद बंद हो गया, तो बस केदारनाथ नहीं? नहीं देखिए केदारनाथ क्या, अभी हिंदुस्तान में कोई भी यात्रा चालू नहीं है, कोई भी मंदिर चालू नहीं है ना, सब तो देश की स्थिति क्या है तो कुछ भी चालू नहीं है, तो केदारनाथ और सब बंद है। और अमरनाथ जी यात्रा का भी ऐसा है कि जो हमारी डेट 1 तारीख कौन थी 15 को हो गई है, अब आज लॉकडाउन भी बढ़ गया है, तो हो सकता है कल श्राइन बोर्ड का भी जो निर्देश था वो भी चेंज हो जाए, तो इसलिए हमारे पास भी काफी काफी कॉल आ रहे हैं, हम भी कल तक का वेट कर रहे हैं कि जैसे अगर, तो हमने भी सबको ये बताया जिनका मेडिकल हो गया रजिस्ट्री करा ली, जिनका नहीं हो कुछ कर सकते, और ना ये बात आपको मालूम है ना मुझे मालूम है ना गवर्नमेंट को मालूम है कि आने वाले टाइम में कोरोना वायरस की क्या स्टेज होगी इंडिया में ना, तो लेकिन सभी लोग प्लानिंग तो कर ही रहे हैं, आप भी नहीं बता सकते ये बात, ना ही मैं बता सकता हूँ, बस यही है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं भी आपसे डिस्कस ही कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग हैं या आप लोग हैं तो हमारा तो एक ही काम है अपने घर में रहना है ना, हम तो जो गवर्नमेंट जो रूल बना रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं और घर में रह रहे हैं, अब जो केस बढ़ चुके हैं या जहां केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे केसेस बढ़ते चलेंगे तो यात्रा के चांस उतने ही कम होते चलेंगे है ना। बिल्कुल, तो आगे 2 हफ्तों में हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक 200, 400, 500 केसेस आ रहे थे, लेकिन अभी कल कल में 1000 केसेस, आज 1200 केसेस, इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो बस यही भोले बाबा से विनती है कि केसेस खत्म होंगे कुछ जब ही हमारी यात्रा हो पाएगी, तो इसके लिए मतलब हाँ या ना कहना कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ पर पॉजिटिव रहेंगे कि यात्रा होगी, हम तो अभी तक यही कहेंगे यात्रा होगी, जब तक कि श्राइन बोर्ड या गवर्नमेंट नहीं मना करती है, तो ये भी मान के चलिए कि श्राइन बोर्ड भी लास्ट तक मना करने वाला नहीं है इस बात पे ना, क्योंकि हो सकता है एक तो मान लीजिए सर, हाँ सर मैं बोले से मान लीजिए जैसे कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करवा ले, कोई बहुत आदमी ऑनलाइन कर रहा है ठीक है, तो उसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो अगले साल 200 रुपया शायद था ठीक है, तो बैंक से जो लिया था इस बार कितना हुआ, इस बार भी 100-200 रुपया है क्या? इस बार भी 200 ही है जी, इस बार भी 200 रुपया है, 200। मान लीजिए कि यात्रा कैंसिल हो गया तो वो एक काम करूंगा मैं फिर भी चेक कर लूंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना तो पैसों का पता नहीं है और गाइडलाइन में मैंने पता था। और एक तो वो जो 300 पर्ची यात्रा परमिट जो निकलता है जो चंदन 300 परमिट तो 300 कार्ड जो पर्ची निकलते हैं वो कैसे मैं कलेक्ट करूंगा, वो बाई मेल या मैं ऑफिस जाके? नहीं नहीं जैसे आपने श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे आप वो डालेंगे ना अपना, तो आपके फोन पे कोड आएगा, कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आप वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपका परमिट वहाँ पे अपलोड हो चुका होगा ना, तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने मेल पे ले लीजिए या बाहर से प्रिंट निकलवा लीजिए। अच्छा। बाकी इसका मैंने भी मतलब ऑनलाइन नहीं किया अभी, हमारी टीम के लोग करते हैं। एक तो होता है ना वो एक तो होता है ना वो आपका हर डेट का जो कलर चेंज होता है ना परमिट का, पीला हरा काला कलर चेंज होता है वो? नहीं नहीं प्रभु जी, वो जो होता है वो जो आप फिजिकली परमिट लेते हैं वो कलर चेंज उनमें होता है, जो आपका इससे निकलता है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, जो आपका ऑनलाइन का परमिट होता है वो अलग होता है, जो आप बैंक में जाके लेते हैं वो अलग होता है, तो आपको ऑनलाइन का लेना है आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप एक बार भर देना फिर डाउनलोड हो जाएगा, तो आप अपनी मेल पे लेके या बाहर से प्रिंट आउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिर भी मैं एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, और उसमें भी कोई दिक्कत आए आपको जब आप बुकिंग कर रहे होंगे या अपना परमिट बना रहे होंगे तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर लेना, जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी कर दूंगा, ठीक है जी? सर वो तो सही है, आपसे बात करके तो फ्रेंडली लगा सर, पहले घर घबरा रहा था कैसे बात करेंगे, वो बात नहीं है, फ्रेंडली बात की है सर, थैंक यू सर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भोले बाबा के भक्त हैं आप ही, भोले बाबा के भक्त हैं, अगर बाबा ने हमें ये सेवा दी है हम इस लायक हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सही जानकारी दें, ठीक है? और बोले ना अब करते क्या हो बोले महाराजा, बस बाबा गवर्नमेंट नहीं बस सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे छोटा मोटा काम कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, हाँ जॉब करता हूँ, बाकी इसके साथ साथ भी लॉकडाउन चल रहा है
तो जो अमरनाथ जी के जो भी वीडियो बनानी है, लोगों से बात करनी है, सारा चलता रहता है। तो अभी लोगों, जैसे आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, अलग तरह के क्वेश्चन पूछे है ना, आपने बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, तो इन क्वेश्चन का आंसर बना के हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि जो और भक्त हैं उनको भी नॉलेज हो जाए, क्योंकि काफी सारे भक्तों को नॉलेज नहीं हो पाती है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके ना। ठीक है प्रभु, थैंक यू सर। ओके ओके, जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की, गुड नाइट। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है सर? ठीक है जी, जय भोले जी। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।